दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज आपके साथ बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत महत्व रखता है और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन मकर संक्रांति पर तिल के सहित यदि 5 वस्तुओं का दान किया जाए तो शनि समेत 6 ग्रह दोष दूर होते हैं और भाग्य भी चमकता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना ग्रहों की शांति के लिए शुभ रहेगा। सबसे पहले नंबर पर आते हैं तिल। मकर संक्रांति के अवसर पर हर व्यक्ति को स्नान के बाद तिल का दान करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप काले तिल का दान करें। यदि काला तिल नहीं है तो सफ़ेद तिल ही दान करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा से धन धान्य बढ़ता है और शनि दोष भी दूर होता है। कहा जाता है कि जब सूर्य देव मकर संक्रांति पर शनि देव के घर पहुँचे थे तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। दूसरे नंबर पर आती है गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। इस एक दान से आपके 3 ग्रहों सूर्य गुरु और शनि के दोष दूर होते हैं। गुड़ को गुरु ग्रह से संबंधित मानते हैं। सूर्य को प्रबल करने के लिए भी गुड़ का दान होता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और काले तिल से बने लड्डू का दान किया जाता है। के साथ ही कंबल का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा के बाद गरीबों को कंबल और गर्म कपड़ों का दान अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में राहु ग्रह से जुड़े दोष दूर होंगे और उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इस दिन काली उड़द हरी मूंग और चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप काली उड़द हरी मूंग और चावल से बनी हुई खिचड़ी का दान करते हैं तो शनि गुरु और बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर होंगे। काली उड़द का संबंध शनि और हरी मूंग का संबंध बुध ग्रह से है। खिचड़ी में आप हल्दी का उपयोग करते हैं जो गुरु ग्रह से संबंधित है। इन सभी ग्रहों के दोषों के दूर होने से आपका भाग्य प्रबल होता है। कार्यों में सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। और चावल, मकर संक्रांति पर यदि आप चावल का दान करते हैं तो चावल चंद्रमा का प्रतीक है। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चावल दान से चंद्र दोष भी दूर होता है। यदि आप मकर संक्रांति पर चावल खिचड़ी गुड़ काला तिल और कंबल का दान करते हैं तो सूर्य शनि बुध गुरु चंद्रमा और राहु ग्रह से जुड़े दोष दूर होंगे और भाग्य मजबूत होगा। इन वस्तुओं के अलावा आप अपनी राशि के अनुसार भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो इस पोस्ट से अब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।